हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल होम मैकेनिक। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसा ब्रांड, एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा एसी जो कि ना सिर्फ इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर आप किसी भी कंट्री में जाओ, किसी भी बड़े अच्छे होटल में रुको, कहीं पे भी आप देखो, वही ब्रांड आपको ज़्यादातर नज़र आएगा। उसकी क्या खासियत है, उसमें क्या फीचर हैं, उसकी क्या क्वालिटी है, आज मैं सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों। और वो एसी लेटेस्ट मॉडल 2022 में आया है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, उसकी पावर कंजम्पशन इतनी कम है दोस्तों कि आप उसको चलता हुआ भी छोड़ देंगे ना पूरे साल के लिए तो भी आपका बिजली का बिल बहुत ही ज़्यादा कम आएगा। इतना कम आएगा दोस्तों कि आप कहेंगे यार एसी चला रखा है कि हमने कोई फ्रिज या छोटी सी मशीन चला रखी है जो एसी का बिल ही नहीं आ रहा। तो दोस्तों, आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मैं डाइकिन का 1.5 टन 4 स्टार रेटिंग 2022 मॉडल एसी। जी हाँ, आपने सही सुना, डाइकिन ब्रांड का मैं आपको 4 स्टार रेटिंग में जो नया मॉडल आया है 2022 का लेटेस्ट मॉडल है दोस्तों। ये इसका मॉडल नंबर है FTKY50UV16 FTKY50UV16 दोस्तों। ये अपग्रेड मॉडल है कंपनी का, 4 स्टार रेटिंग में है ये। इस मॉडल की खासियत ये है, इसकी कंजम्पशन बहुत ही लो है, वो मैं सब चीज़ें आपको भी बता रहा हूँ। पहले आप मॉडल नंबर नोट कर लीजिए दोबारा से, क्योंकि मॉडल नंबर से ही आप अगर कहीं से बाय करेंगे या सर्च करेंगे तो आपको मॉडल नंबर चाहिए होगा FTKY50UV16। ये इसका मॉडल नंबर है दोस्तों। सबसे ख़ास बात दोस्तों, इसके अंदर डाइकिन के अंदर टोटली जो है सारी R32 गैस की मशीनें कंपनी बनाती है। और ये आज से नहीं, जब से कंपनी ने स्टार्टअप करा था अपना, सबसे पहले इन्होंने ही R32 चार्ज करना शुरू करा था। इनके पास पहले तो दूसरी कंपनी में R22 आती थी, लेकिन इनकी काफ़ी टाइम से 10 साल से इनकी जो मशीनें आ रही हैं, 10 साल से जो इनके एसी आ रहे हैं, सबके अंदर आपको R32 ही मिलेगी। और अभी तो सब में ही R32 आ रही है, इको फ्रेंडली गैस है, 100% कॉपर का मॉडल है दोस्तों ये। इसके अंदर कहीं पे भी कोई भी एल्युमिनियम या एलॉय का कोई भी पार्ट नहीं लगाया गया है, 100% कॉपर है। 1.5 टन का इन्वर्टर एसी है ये, 4 स्टार रेटिंग है इसकी दोस्तों। डाइकिन जो ब्रांड है वो डाइकिन ब्रांड जापान का ब्रांड है। इसकी जो क्वालिटी है वो सारी जैपनीज़ है, जो इसका मटेरियल है वो सारा जैपनीज़ है, बट ये मेड इन इंडिया है। इन्होंने अपना सेटअप इंडिया में भी लगा लिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करते हैं, बट जो रॉ मटेरियल है, जो कॉपर क्वालिटी है, जो इसकी गैस की क्वालिटी है, और जो इसकी PCB है, जो इसकी वायरिंग है, वो सारी की सारी इम्पोर्टेड बेस्ड है, क्योंकि मेन का हेड ऑफिस जो है वो जापान में ही है। इंडिया में इन्होंने अपना सेटअप बना लिया था एक प्रोडक्शन लाइन के लिए, क्योंकि शिपमेंट के थ्रू जो काम होता है वो बेस्ट यहाँ पे रह के होता है, यहाँ पे सप्लाई जल्दी हो पाती है। तो दोस्तों, ये तो बात होगी ब्रांड के बारे में। अब मैं इसकी आपको कूलिंग कैपेसिटी बताता हूँ। जब दोस्तों इन्वर्टर एसी आपको पता ही है दो तरीके से कूलिंग करता है, एक हाफ करंट पे कूलिंग करता है और एक फुल करंट पे कूलिंग करता है। जब ये फुल लोड पे चलता है, 1.5 टन के लोड पे चलता है, तो दोस्तों इसकी कूलिंग जो आती है 5000 वाट आती है। जब ये हाफ वोट पे आ जाता है, डिवाइड हो जाता है इसका, जब आपके रूम का टेम्परेचर जो आपने सेट किया हुआ है उस डिज़ायर टेम्परेचर पे जब एसी आ जाता है, तो ये अपने आधे लोड पे आ जाता है, 1.5 टन का एसी 1.25 टन के लोड पे आ जाता है, तो इसकी कूलिंग जो आती है 2500 वाट। दोस्तों, आधे लोड पे आने का ये फ़ायदा होता है कि एक तो कमरे के अंदर सफोकेशन नहीं होती, कमरे के अंदर कोई स्मेल नहीं होती, कमरे के अंदर आपको गर्मी नहीं लगेगी। दूसरा, ये बार बार हाई एम्पेयर नहीं लेता, अगर ज़रूरत पड़ती है तो 0.5 टन से दोबारा से 1.5 टन पे आता है, अदरवाइज़ ये 0.5 टन पे ही चलता रहता है। और इतनी कूलिंग कमरे के अंदर रखता है कि आपको ना गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है। दोस्तों, इसकी मैं कंजम्पशन की बात करूं तो ये मात्र पूरे साल की एवरेज कंपनी ने जो दी हुई है वो 970 यूनिट पर ईयर के इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, मशीन के और एसी के ऊपर भी 970 आपके पूरे साल में यूनिट इसके कंज्यूम होंगे। आप उसको 8 महीने से 6 महीने से अपने
जितने आप घंटे चलाना चाहते हो उसके हिसाब से इसको डिवाइड कैलकुलेट कर लीजिए, आपको पर आवर कितनी कंजम्पशन रहेगी। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरे अकॉर्डिंगली आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको 700-800 के रेंज में बिल आपका पर मंथ इसके अकॉर्डिंगली, इस डाटा के अकॉर्डिंगली आपका आएगा। तो दोस्तों इसकी मैं आपको लुक दिखा देता हूँ, इसका आपको बाकी प्रोडक्ट का फीचर सारा दिखा देता हूँ। बहुत ही बढ़िया मॉडल है सर दोस्तों, ये लेटेस्ट मॉडल है 2022 का, 4-स्टार रेटिंग में है। आइए मैं आपको इसका इंडोर लुक दिखाता हूँ दोस्तों ये डाइकिन का 4-स्टार रेटिंग का डेढ़ टन का 2022 का नया मॉडल है जिसकी बात मैं आपके साथ कर रहा था। यहाँ पे डाइकिन मेंशन है दोस्तों, ये डेढ़ टन का इन्वर्टर एसी है, 4-स्टार रेटिंग में है, जिसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन अभी टोटली दे रहा था दोस्तों। इसकी डिस्प्ले जो आती है वो यहाँ पे इंडिकेशन आता है लाइट ऑन होने का। इसके अंदर टेम्परेचर डिस्प्ले, जितने भी मल्टीनेशनल ब्रांड होते हैं उनके अंदर दोस्तों डिस्प्ले जो टेम्परेचर का होता है वो नहीं आता है। उसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न मैं बताता हूँ। क्योंकि जो कंपनियाँ टेम्परेचर डिस्प्ले यहाँ पे 24-23-22 देती हैं, वो रात को जो लाइट होती है काफ़ी रिफ्लेक्ट करती है, आइज़ में डिस्टर्बेंस होती है। इसीलिए जितने भी वर्ल्ड वाइड ब्रांड होते हैं जो कि इंटरनेशनल ब्रांड होते हैं, वो कोई भी इस तरीके की टेम्परेचर डिस्प्ले अपने एसी में नहीं लगाती है। यहाँ पे आपको पावर ऑन होने का इंडिकेशन आता है जब एसी ऑन होता है। साथ में इन्होंने कभी आपका रिमोट काम नहीं करता, तो एक इन्होंने एक्स्ट्रा फीचर के लिए स्विच यहाँ पे दिया हुआ है ऑन ऑफ का, ये आप देख सकते हैं ऑन ऑफ भी लिखा है। यहाँ से आप ऑपरेट, कभी कभार आपका रिमोट सपोज कीजिए नहीं चल रहा, आपको एसी चलाना है या आपका रिमोट खो गया है या ख़राब हो गया, सेल ख़त्म हो गए रात के टाइम, तो आप यहाँ से इसको मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं। बहुत कम कंपनियाँ हैं जो इस तरीके से स्विच बाहर देती हैं, नहीं तो बहुत सारी कंपनियाँ इस फ्लैप के अंदर ही स्विच देती हैं, वो उसके लिए आपको पूरा फ्लैप खोलना पड़ता है। इसमें वो सब चीज़ें नहीं है, यहाँ पे आपको स्विच बाहर ही मिलेगा, ताकि कभी ये प्रॉब्लम आती है रिमोट के अंदर यहाँ ऑपरेट करने में, तो आप यहाँ से मैनुअली इसको ऑपरेट करके अपना काम चला सकते हैं दोस्तों। एक चीज़ इसके अंदर बताता हूँ, काफ़ी कंपनियों ने अब क्या किया है, जो फ्लैप है वो बड़ा सिंगल कर दिया है, उसकी वजह से एक जगह से ही एयर आती है और एक जगह पे ही सीधा फ्लो आता है। इसके अंदर डबल फ्लैप मिलेगा आपको, टू फ्लैप है दोस्तों ये, एक नीचे हो जाएगा एक बीच में रहता है, तो इस तरीके से इसकी एयर भी डिस्ट्रीब्यूट होती है आपके रूम के अंदर, कुछ एयर ऊपर जाएगी कुछ एयर नीचे जाएगी। इस तरीके से इसमें डबल फ्लैप दिया हुआ है कंपनी ने, 4-स्टार रेटिंग में है ये, 100% कॉपर है दोस्तों। इसकी वारंटी की बात करूँ मैं तो इसमें 10 साल कंप्रेसर की वारंटी मिलेगी आपको, 5 ईयर पीसीबी की वारंटी मिलती है आपको। 5 ईयर पीसीबी की वारंटी दोस्तों इसलिए मिलती है ताकि मान लीजिए इसका पीसीबी ख़राब हो, क्योंकि जो पीसीबी है वो इसका दिल है, जो दिल होता है उसका ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है, तो इसीलिए दिल की हिफाजत के लिए इन्होंने 5 साल की वारंटी दी है। कभी इसमें पीसीबी जो होता है वो काम करना बंद कर जाता है या प्रॉब्लम आती है, तो कस्टमर को एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता, कस्टमर को 5 साल की वारंटी मिलने से बेनिफिट होता है। तो ये ध्यान में रखते हुए कंपनी ने 5 ईयर वारंटी दी है पीसीबी की, 10 साल कंप्रेसर की दी है, लाइट की कंजम्पशन बहुत कम है। सब चीज़ें आपको मैंने ब्रीफली दोस्तों इसकी बता दी हैं। जापान का ब्रांड है टोटली, बहुत बढ़िया एसी है। बाकी इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको इस मॉडल का पूरा रिव्यू दोस्तों दे दिया है। आशा करता हूँ अगर आप ये ब्रांड लेना चाहते हैं या ये मॉडल लेना चाहते हैं तो आपको मेरी वीडियो के थ्रू बहुत ही मदद मिलेगी। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।